ये जैसा इसका नाम है वैसी इसकी प्रसिद्धि है। चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर जयपुर के जोटवाड़ा के ओम शिव कॉलोनी में स्थित है। जयपुर रेलवे स्टेशन से यह मंदिर 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। मंदिर का पूरा पता और गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस मंदिर को खास यहाँ पर शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर मूर्ति व अलग अलग जगहों से लाए गए 12 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों से लाए गए हैं, जिसमें से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओलंकालेश्वर व अमलेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घुश्मेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मंदिर की मुख्य प्रतिमा के साथ भगवान शिव का पूरा परिवार माता पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय भी विराजमान है। इस मंदिर में बर्फ की झांकियां भी लगाई जाती है। मुख्य मंदिर के दरवाजे चांदी से निर्मित है। सावन के दिन यह मंदिर पूरा फूलों से भर जाता है और बहुत ही भव्य सजाया जाता है। मंदिर की छतों पर भी भव्य कारीगरी कर रखी है। ये है अर्धनारीश्वर मूर्ति, जिसमें शिव का आधा भाग व माता पार्वती का आधा भाग मिलकर अर्धनारीश्वर मूर्ति बनी है। मूर्ति के पास ही नंदी महाराज व शेर की मूर्ति लगी हुई है, जो कि अर्धनारीश्वर भगवान की सवारी है। अर्धनारीश्वर मूर्ति भारतवर्ष में बहुत ही कम दिखाई देती है। रात्रि के समय में यह मंदिर का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई देता है, इस कारण यहाँ पे रात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। भगवान शिव के अलावा यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी विराजमान है। अब मिलते हैं मंदिर के कार्यकारिणी सदस्य से। हरि शर्मा, अध्यक्ष सलाहकार मंडल समिति, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। ये श्री चमत्कारेश्वर महादेव का मंदिर है। ये अपने झोटवाड़ा रोड चांदपुल बाजार से चालू होता है और इसका रोड का नाम भी चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर हो रहा है। ये इसका प्रारंभ, ये मंदिर सर्वप्रथम सन 1966 में भादो की 11 को इसकी स्थापना की गई थी। कुछ लोगों ने यहाँ बैठकर ये विचार किया कि गाय और बछड़ा दूध दे रहे थे, तो ये स्थान बड़ा पवित्र है और यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की जावे। वहाँ उस समय ये साधारण रूप से एक छोटी सी गुमटी बना के यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की गई थी संस्थापक सदस्यों के द्वारा, 11 मेंबर ने मिलकर। उसके बाद ये मंदिर शने शने चलता गया और 1990 के बाद इस मंदिर में लोगों का आवाज बहुत चालू हो गया और वर्ष 2000 में यहाँ पर निर्माण किया गया। वो निर्माण 2006 में पूरा हुआ। उसमें भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग और अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो हिंदुस्तान में कहीं कहीं देखने को मिलती है, और ये चमत्कारेश्वर महादेव का मंदिर, ये जैसा इसका नाम है वैसी इसकी प्रसिद्धि है। यहाँ इस समय हजारों लोग आकर दर्शन करते हैं और सावन मास में और भादों में यहाँ पर सहसगढ़ होते हैं और ये मंदिर परिवार इस संस्था को चलाता है। यहाँ पर करीबन 500 सदस्य हैं और यहाँ के कार्यकारिणी और सलाहकार मंडल मिलकर इसका संचालन करते हैं। ये मंदिर भारतवर्ष में अब एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है और पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बनते जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर में जैसा इसका नाम है वैसे यहाँ लोगों को इसकी अनुभूति होती है और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ति होती है। इस समय सावन मान में 15-20 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ पर आके दर्शन करते हैं और इस मंदिर में 3 प्रोग्राम वर्ष में बहुत बड़े रूप से होते हैं, जिसमें 25,000 से 1,00,000 लोगों तक आकर यहाँ उसका आनंद उठाते हैं। महेंद्र कुमार खंडेलवाल, अध्यक्ष श्री चमत्कारेश्वर सार्वजनिक सेवा समिति। बोल चमत्कारेश्वरनाथ की जय। इस चमत्कारेश्वरनाथ मंदिर सन 66 से जब से अपने अस्तित्व में आया है, तब से इसका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस संस्था के साथ जुड़े ट्रस्टीज, इन ट्रस्टीज का बहुत सहयोग इस मंदिर के लिए रहा है और इस सहयोग की वजह से इस मंदिर का जो भव्य रूप आज हम देख रहे हैं, उन लोगों का सपना था कि ये मंदिर आज जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि भारत नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस मंदिर की प्रसिद्धि कायम रहे। उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की सोच से इस मंदिर का भव्य रूप अब आप सबके सामने है और हर महीने
हर दिन यहाँ उत्सव का आयोजन होता रहता है और श्रावण मास के अंदर तो विशेषतः नित्य दिन प्रतिदिन सजीव झांकियों का जो प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल अलोकनीय होता है। उसको देखने का एक बहुत सुंदर नज़ारा होता है। इस मंदिर के अंदर भजन संध्याओं का आयोजन, मंदिर के अंदर विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन, संत महात्माओं के प्रवचन, इस मंदिर के अंदर पंडितों के द्वारा रुद्रपाठ के जो है हवन है, इस मंदिर से इसकी जो प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, ये इस ठाकुर का ही प्रभाव है, इस ठाकुर का ही अस्तित्व है जो सब भक्तों को बांधे रखता है, उन सब भक्तों की मदद करता है और आस्था है भक्तों की इस ठाकुर पे। राधा कृष्ण मंडन, उपाध्यक्ष श्री चमत्कारेश्वर मंदिर सार्वजनिक सेवा समिति। आने वाले समय में इस मंदिर का 5800 मनाया जाएगा, जो कि श्रावण मास के बाद में भादुओं में 11 के दिन मनाया जाता है, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक तरफ सड़क रोक के कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों भक्त बर्फ की झांकी का प्रोग्राम देख के जाते हैं। पूरी रात भर कार्यक्रम होता है। एक शाम भोले के नाम से संध्या का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों भक्त आके इस मंदिर का, इस प्रोग्राम का आनंद लेके जाते हैं। धन्यवाद। मंदिर के संस्थान द्वारा एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी करवा रखा है जो शादियों पार्टियों व अन्य कार्यक्रमों में रेंट पर दिया जाता है। 31,600 रुपये की स्लिप कटवाकर आप इस सामुदायिक भवन को बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1,000 लोग आ जाए जितना बड़ा हॉल और भोजन के लिए बर्तन। मंदिर संस्थान के द्वारा सार्वजनिक रामायण भी स्क्रीन कर रखी है जो मेन सड़क पर है और कोई भी यहाँ पर देख सकता है, वो भी फ्री में। मंदिर के बाद में अब आपको ले चलते हैं जयपुर में राजस्थानी टेस्ट और घर जैसे खाने की जगह पर। इस रेस्टोरेंट का नाम बंशीवालाज फैमिली रेस्टोरेंट है और यह नाडी का फाटक बैनर रोड पर स्थित है। इस रेस्टोरेंट में आप फुल डाइट 110 रुपये में व अन्य साई सब्जियां ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। सो गाइस, ये था चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।